हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडूजेम लाइव क्लासेस। दोस्तों, जो अगर आपके यूपी SC SSB का जो एग्ज़ाम, मतलब कि प्रवक्ता का जो एग्ज़ाम है, जिसकी जिसका एडमिट कार्ड आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हो गया है, ये जो आपके 14 तारीख को आपका एडमिट कार्ड parikshaupi.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है 1 और 2 फरवरी को होने वाला है, ठीक है। तो ये इसके जो एडमिट कार्ड हैं आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। आपको इसकी पूरी डिटेल में आपको बता दें कि ये एग्ज़ाम जो था, ये एग्ज़ाम आपके पहले जो होने वाला था, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने जो है ये पहले एग्ज़ाम 27, 28, 29 सितंबर को निश्चित की गई थी। उसके बाद में इसको चेंज कर दिया गया था और इसकी अब जो डेट्स आई थी नई, उसको जो डेट्स अनाउंस की गई थी वो प्रवक्ता संवर्ग जो परीक्षा है वो 1 फरवरी और 2 फरवरी को होगी, और प्रशिक्षित स्नातक की जो परीक्षा है वो आपकी 8 मार्च और 9 मार्च को होगी। तो उनके लिए 1 और 2 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है प्रवक्ता का, वो जो आपके प्रवक्ता संवर्ग की जो परीक्षा है उसके एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। जो भी कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई किया था वो upseessb.org पे जाके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और इसका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का भी आपके जो है अवेलेबल है, लेकिन अभी थोड़ी शायद इसमें प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट पे कुछ, तो अभी से जारी हुआ है, जस्ट जारी हुआ है इसका एडमिट कार्ड। तो ये आप थोड़ा वेट करिए, शायद वेबसाइट पे कुछ प्रॉब्लम है, सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपका जैसे ही आपकी सही चले साइट, आप इस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका एडमिट कार्ड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके जो हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो है ये दिया गया है 0532-246-7743 पर आप जो कांटेक्ट कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी दिए गए 9161529843। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आपका एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में, तो आप इसको जो है कांटेक्ट कर सकते हैं बोर्ड से के आयोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो आपको इसका सॉल्यूशन दे सके, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम 1 और 2 फरवरी को होने वाला है। तैयारी स्टार्ट कर, मतलब आपने तैयारी तो करी लेगी, और अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, रिविजन स्टार्ट कर दीजिए अपना एग्ज़ाम का, और ये जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर लीजिए। उस पर जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो ज़रूर फॉलो करिए। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर अपना एक फ़ोटो वाला जो आईडी कार्ड होता है, फ़ोटो सहित जो आपका आईडी कार्ड होता है वो ज़रूर लेके जाएं ओरिजिनल, ताकि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ऐसी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेगी। और जो एक एग्ज़ाम और है 8 और 9 मार्च को जो एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुआ, जैसे जारी होता है हम आप तक उसकी अपडेट भी पहुँचा देंगे। तो डाउनलोड कर लीजिए अपना एडमिट कार्ड, ऐसी अपडेट आप तक आती रहेगी एडूजेम लाइव क्लासेस पे। तो एडूजेम लाइव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।